मूवी और आपका स्टूडियो में स्वागत है। और भाई कल ऑफिशियल ट्रेलर आया है, किस मूवी का बताएंगे? मौजम भोला का। और इससे पहले हमने दो टीजर इसके देखे थे, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो किया, इनकी चैनल को सब्सक्राइब, ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें, चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लालगंज यहां से 80 किलोमीटर दूर, वहां पहुंचा के तुम निकल जाना, तुम पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है? चलो। नहीं साले, तो हथकड़ी खुली नहीं और शुरू हो गई रंगबाजी। हाँ, शक्ल देखकर चार्जशीट बनाने लग गई आजकल पुलिस। शक्ल नहीं, अकड़ देख के। वर्दी पुलिस वाला पहने या पुलिस वाली, दोनों डंडे का जोर दिखाते हैं। आज फिर जीने की मेरा फेवरेट खाना, अब तक क्या रखा तू? चिका कहें अश्विता हमारे उसका भाई निथारी नाक पे दम कर दिया पूरे डिपार्टमेंट की। खुफिया तरीके से काम करते हैं सर, इसलिए पकड़े नहीं गए आज। मजबूरियों को मौका बनाना अच्छा आता है। डराने के लिए बेटी का वास्ता तो दे दिया, अब इन देशभक्तों को बचाने के लिए क्या दोगी? कितना चाहिए? शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता। पहले कभी दिखे नहीं? दिखे होते तो तू नहीं दिखता। मैडम आपको गोली लेगी। बंदूक की नौकरी की है, गोली तो खानी पड़ेगी। लाओ पकड़ के डायन को, करते हैं एग्जाम्पल सेट। ये जो वर्दी की हनक दिखा रहे हैं ना साले, निकालते हैं इनकी सनक। रात कौन सी कोख से पैदा हो गए भाई? ये धरती बंजर होके भी बुजदिल पैदा नहीं करती है। जरूर तुम्हारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कोई उनके साथ मिला हुआ है। पगला गए क्या? शरीर के साथ साथ बुद्धि भी छोटा हो गया। अरे होश में नहीं, सब जोश में भी है। आप मेरे क्या लगते हो? अरे यहाँ थाने को चंबल बना दिया, हम लोग सिर्फ 5 लोग हैं भाई। लड़ाइयाँ हौसलों से जीती जाती हैं, संख्या बल और हथियारों से नहीं। भाई बोला का जो है ट्रेलर देखते देखते ना दिमाग में जो है ना मेरे कई थी मूवी के सीन चल रहे थे, क्योंकि बीच में कुछ सीन ऐसे थे जो कि उससे मिलते जुलते थे, लेकिन बहुत सारे सीन ऐसे थे जो डिफरेंट भी थे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है एक्शन का लेवल कुछ अलग होने वाला है। एंड एक्चुअली में मैं थोड़ी क्यूरियस थी वो जो स्केलेटन वाला हाथ है उसके लिए। हाँ, कि वो हाथ किसका है, लेकिन नहीं देखने को मिला। मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा मिस्ट्री तो यही रहने वाली यार वो मुझे, वैसे क्योंकि बीच में मैंने जो स्टारकास्ट पढ़ी थी उसमें अभिषेक बच्चन सर जो है वो कैमो अपीयरेंस में जो है बीच में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो है मे बी वो हो। ऑनेस्टली बताऊं मुझे लग रहा है कि गजराज राव होंगे, मुझे ऐसा फील आ रहा है, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है वो हो। लेकिन जो है क्योंकि मूवी जो है फुल ऑफ एक्शन है, आपको जो है यानी कि सीन जो है मेजॉरिटी आपको वही देखने वाले मिले हैं जो आपको कई थी में देखने को मिले थे। लेकिन हाँ कुछ सीन ऐसे हैं जैसे कि नाम लेते हैं जिसमें त्रिशूल की बात करें, ठीक है ना, तो एक्शन जो है इस मूवी में आपको उस मूवी के मुकाबले में जो है काफी ज्यादा जो है वो देखने मेरा। बाकी पुलिस स्टेशन वाला सीन भी जो है आपको तकरीबन वो कैथी वाला ही पूरा जो है वो रखा है, बेसिकली रीमेक है, तो रीमेक में तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा बहुत एक्शन ज्यादा हो जाता है, कलर जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मूवी जो है फिर भी आपको रीमेक में देखने का भी मजा आता है। एग्जैक्टली, ये 3D में मूवी आ रही है, लग रहा है कि मतलब ऑडियंस काफी ज्यादा इसको एंजॉय भी करेगी। और दूसरा ये कि जो बीच में जिस तरीके से शिव भक्त दिखाए हुए हैं अजय देवगन सर, तो मुझे लग रहा है कि उस लिहाज से भी मे बी हम लोगों को कुछ बीच में देखने को मिले, क्योंकि जब हम लोगों ने जो कही थी मूवी देखते हैं उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं नजर आते, क्योंकि जब हमने इसके टीजर भी देखे थे तो हमें बनारस वगैरह भी नजर आया था, मतलब तो मुझे लगता है घाट भी हम लोगों को नजर आए थे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा। बेसिकली हमने जो कही थी देखी थी ना वो साउथ की बेसिकली मूवी थी, तो उसमें साउथ वाला टच था। अब आप ये देखे बॉलीवुड की, बॉलीवुड वाला टच जो है आपको प्रॉपर मिलेगा। वैसे क्योंकि इसमें आमला पौल जो है वो भी जो है कैमियो
अवेयरनेस में ही है, इनके पूरी मूवी में वो आपको नहीं नजर आएंगी। ठीक है, और तब्बू मैम की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि मतलब जिस तरीके से उनका भी एक मुझे वो एक्शन बहुत अच्छा लगा है, लाइक वो जैसे रिवर्स में गाड़ी जा रही होती है और ट्रक और उनको जब गोली लगती है, अच्छा जो डायलॉग्स हैं वो मजे के हैं, जैसे उन्होंने बोला कि वर्दी चाहे मतलब आदमी है ना या औरत, मतलब जबरदस्ती सारे ही करते हैं, ये वाला एक वाकई में डायलॉग जो है ना आज की लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। सो ओवरऑल मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि मूवी काफी मजे की, बीजीएम बहुत अच्छा है म्यूजिक का, और मुझे लगता है कि जो एक्शन है वो बहुत इंटेंस होने वाला है, बहुत सारे लोगों की आंखें भी जो है वो बंद होने वाली है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी पहली वाली मूवी मतलब जो कही थी है एक्चुअल में जो बनी उससे आपको कितनी डिफरेंट लग रही है आपको एक्शन या स्टोरी, या फिर अगर आपको लग रहा है कि जो मेन विलन है वो कौन होगा वो जरूर बताइएगा हम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं जाऊँ हमारे वीडियो को चैनल करें।